हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप किसा हुआ पत्ता गोभी, 1 किसा हुआ गाजर, 1 कप स्प्रिंग अनियन, 2 कटे हुए प्याज, 2 कटे हुए शिमला मिर्च, 8 से 9 कटे हुए लहसुन, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा, 4 से 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वादानुसार और तेल। सबसे पहले हम लेंगे 1 कटा हुआ प्याज, 1 किसा हुआ गाजर, 1 कप किसा हुआ पत्ता गोभी और 3/4 कप स्प्रिंग अनियन। इन सारी सब्जियों को हम एक बर्तन में ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा, 2.5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब हम इन सबको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और बनाए हुए मिक्सचर से गोल मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। ये हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे और मंचूरियन बॉल्स को फ्रिज से निकाल कर उसमें फ्राई कर लेंगे। इन मंचूरियन बॉल्स को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। मंचूरियन बॉल्स एक साइड से फ्राई होने पे उसे पलट देंगे ताकि वो दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हमारे मंचूरियन बॉल्स अच्छे से सारे साइड से फ्राई होके गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह बचे हुए मंचूरियन बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मंचूरियन बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 कप कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, 8 से 9 कटे हुए लहसुन, 1 इंच अदरक कटा हुआ और 3 हरी मिर्च कटी हुई। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 8 से 9 कटे हुए लहसुन और 1 इंच अदरक कटा हुआ।
इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि हमें अच्छे खुशबू ना आने लगे पकने की। अब हम इस पर डालेंगे सारी कटी हुई सब्जियां। और इन सब सब्जियों को हम 2 मिनट तक तेज आंच पर भून लेंगे। याद रहे, हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ उन्हें थोड़ी देर तक भूनना है। अब हम इस पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 नमक। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे तेज आंच पर 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब हम लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 से 4 बड़े चम्मच पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। अब हम इसमें तैयार किए हुए फ्राइड बॉल्स को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा वेज मंचूरियन तैयार हो गया है, इसे हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया है। हमारा वेज मंचूरियन अब सर्व के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।